10 लाख रुपये उसका मिलेगा। वो तो ऑन द बेस ऑफ दी डायरेक्शन गिवन बाय हमारे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, मरने वाले को 10 लाख रुपया सेप्टिक टैंक में और सीवर में जाकर मरने वाले को 10 लाख रुपये तो उसका डिसीज का फैमिली को मिलेगा। और इसमें तो एडिशनल एक्ट जो है जो एट्रोसिटी एक्ट है वो पूरा अनुसूचित जाति का शेड्यूल कास्ट से है, इसलिए 8.25 लाख एडिशन देता है। और मरने वाले को शादी को वाइफ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इफ देर इज नो वैकेंसी इन द पंचायत सुपर निमरी पोस्ट तो क्रिएट करना चाहिए, उसका एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। और उसका फादर को 5000 रुपीज पर मंथ पेंशन देना चाहिए और उसका पक्का घर देना चाहिए, इसलिए मोदी जी ने ऐसा बोल दिया है पक्का घर देना चाहिए। देन बच्चों को एजुकेशन एक्सपेंस कैसा कैसा आएगा वो कैलकुलेट करने हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और SC ST का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शुड कैलकुलेट। द अमाउंट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द ट्रेजरी, दैट शुड बी डिपॉजिट इन द जॉइंट अकाउंट ऑफ बच्चों और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। द अमाउंट शुड बी ड्रॉन एंड गिवन टू बच्चों, ऐसा डिसीजन वो करेगा। टुमारो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिक्लेरेशन करेगा मीटिंग में, ऐसा डिक्लेरेशन करेगा पूरा फैमिली को पैसा मिलेगा, ठीक है। अरे उसका पूरा मोड़ की तो पैसा खर्च देने के लिए 80 लाख खर्च तो ऐसे जिस ईयर में सैंक्शन दिया थे वो पूरा पंचायत में आएगा, उसमें तो 4 हाउस उसको ये मरने वाले को फैमिली को देना चाहिए, देगा, ठीक है। और एक आपके रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी उस टाइम जब ये हादसा हुआ था तो ये एरिया में जो अपना अग्निशामक का जो गाड़ी होता है वो यहाँ नजदीक नहीं था, ये हमारे एरिया में थोड़ा लंबा है, तो हम क्योंकि जिस तरह से यहाँ का विकास हो रहा है इस क्षेत्र का, एक सेकंड इस क्षेत्र के विकास के हिसाब से अब ये ग्राम पंचायत इसको परिषद बनना चाहिए, ऐसा आग्रह यहाँ के अधिकारियों ने और यहाँ के हम जो गांव देहात के अंदर हमने दौरे किए तो वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने भी, यहाँ के व्यापारियों ने भी और यहाँ के जो बड़े बड़े जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उन सभी लोगों ने कहा है कि इसको अब जो है परिषद का दर्जा मिल जाना चाहिए, परिषद का दर्जा मिल जाए और जो भी सुविधाएं एक शहर के अंदर मिलती हैं वो सभी आधुनिक सुविधाएं। आप फायर ब्रिगेड की बात ना करिए, मैं तो ये भी कहूँगा यहाँ पे एक अच्छा अस्पताल। आज कदम ग्राम पंचायत वस्तीमध्ये केंद्र सरकारचे माणसं येऊन त्यांनी घटनास्थळी जे ड्रेनेजमध्ये 4 लोक मागासवर्गीय मरण पावले त्या घटनास्थळी पाहणी करून या ठिकाणी ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, गटविकास अधिकारी, पोलीस खात्याचे प्रमुख, सर्व पदाधिकारी यांना बोलावून घेऊन केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीने आम्हा गोर गरिबांना प्रत्येकी कुटुंबास 10 लाख रुपये देऊ म्हणाले, प्रत्येकाला घर देऊ म्हणाले आणि प्रत्येक कुटुंबातल्या सदस्याला नोकरी देऊ म्हणाले आणि गोर गरीब सर्वसामान्य कुटुंबातील भूमिहीन कष्टकरी वर्गांना न्याय मिळवून देण्याचं काम करतो म्हणाले, परंतु त्याने आम्हाला आश्वासन दिलं त्यांनी याची पूर्तता ताबडतोब करून आम्हा गोर गरीब सर्वसामान्य मुलाबाळाचं संगोपनासाठी त्वरित अर्थसहाय्य करून आणि कुटुंबाचं पुनर्वसन करून नोकरी देऊन सहकार्य करावं अशी मी शासनाला कळकळीची विनंती करतो आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची ताबडतोब पूर्तता करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो। जय भीम।